हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को गैमेटोजेनेसिस अथवा युग्मक जनन के बारे में बताएंगे, जिसके अंतर्गत युग्मक जनन क्या होता है तथा इसके प्रमुख भाग यानी शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस तथा अंड जनन या ऊजेनेसिस के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम युग्मक जनन अथवा गैमेटोजेनेसिस के बारे में बता देते हैं कि ये क्या होता है। वृषण अथवा अंडाशय की जनन एपिथीलियम कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। चलिए इसको अच्छी तरह से आपको समझा देते हैं कि जो शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं उसे ही युग्मक जनन कहा जाता है, अर्थात शुक्राणु और अंडाणुओं का बनना ही युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। अथवा इसको दूसरी तरह से समझें तो पुरुषों के वृषण में नर युग्मक शुक्राणु का बनना, नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु होता है, तथा स्त्रियों के अंडाशय में अंडे का बनना यानी मादा युग्मक का बनना युग्मक जनन कहलाता है। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है उसे ही युग्मक जनन कहा जाता है या गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के इसका अर्थ हुआ कि शुक्राणु और अंडाणुओं का बनना ही युग्मक जनन होता है या गैमेटोजेनेसिस होता है। उसी को यहाँ पर बताया गया था कि वृषण अथवा अंडाशय की जनन एपिथीलियम कोशिकाओं में, वृषण और अंडाशय के अंदर जनन एपिथीलियम का जो स्तर होता है उसकी जो कोशिकाएँ होती हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक निर्माण की क्रिया को ही युग्मक जनन कहा, यानी युग्मक बनने की क्रिया को ही। युग्मक कौन से बनेंगे, नर और मादा, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु। तो नर में इस क्रिया को शुक्र जनन कहा जाता है तथा मादा में अंड जनन कहते हैं, यानी नर में ये जो क्रिया होती है उसे शुक्र जनन अथवा स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है तथा मादा में जो अंड जनन होता है उसे अंड जनन अथवा ऊजेनेसिस कहा जाता है। तो अब आज के वीडियो में हम आपको शुक्र जनन के बारे में बताएंगे, अंड जनन के बारे में अगले वीडियो में आपको हम समझाएंगे। तो शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जान लेते हैं। नर के वृषण की जनन एपिथीलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसको अच्छे से आपको बता देते हैं। नर अर्थात पुरुष में शुक्राणु बनने की क्रिया शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, ये हुआ इसका अर्थ। और स्त्रियों में अंडे बनने की क्रिया क्या कहलाती थी, अंड जनन या ऊजेनेसिस कहलाती थी। लेकिन यहाँ पर हम लोग शुक्र जनन पढ़ रहे हैं या स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। तो नर अर्थात पुरुष में शुक्राणु बनने की क्रिया ही शुक्र जनन कहलाती है। तो शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगी, नर के वृषण की जनन एपिथीलियम कोशिकाओं में, यानी नर के वृषण में जो जनन एपिथीलियम कोशिकाएं होती हैं उससे शुक्राणुओं के निर्माण की जो क्रिया होती है उसे ही शुक्र जनन कहा जाता है या स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। इस क्रिया में मुख्य रूप से दो पद होते हैं, दो कौन कौन से, एक स्पर्मेटिड्स का निर्माण होना और दूसरा शुक्र कायांतरण होना। तो स्पर्मेटिड्स वाले में यानी पहले वाले में जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है और दूसरे वाले में स्पर्मेटिड्स का शुक्राणुओं में रूपांतरण ही शुक्र कायांतरण कहलाता है। चलिए अब ये शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस के दोनों पदों को एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला है स्पर्मेटिड्स का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड्स। जनन काल प्रारंभ होने से कुछ समय पूर्व ही स्पर्मेटिड्स के निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी जब जनन काल प्रारंभ होता है उसके कुछ समय पहले ही स्पर्मेटिड्स के निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी स्पर्मेटिड्स बनने लगते हैं। पूर्ण क्रिया को तीन प्रावस्थाओं में बांटा गया है, जो स्पर्मेटिड्स निर्माण की क्रिया है इसके निर्माण की क्रिया को तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली है गुणन प्रावस्था, दूसरी है वृद्धि प्रावस्था और तीसरी है परिपक्वन प्रावस्था। तो चलिए इनको एक एक करके आपको समझा देते हैं। तो पहली है गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें क्या होता है, जनन एपिथीलियम की जिन कोशिकाओं से शुक्राणु बनते हैं, यानी जनन एपिथीलियम जो उसके अंदर होता है उसमें जिन कोशिकाओं से शुक्राणु बनते हैं वे प्राथमिक जनन कोशिकाएँ अथवा प्राइमर्डियल जनन कोशिकाएँ कहलाती हैं। तो जिन कोशिकाओं से शुक्राणु बनते हैं
उन कोशिकाओं को प्राथमिक जनन कोशिकाएं कहा जाता है अथवा प्राइमर्डियल जनन कोशिकाएं कहते हैं। इनका आकार एवं केंद्रक जनन एपिथीलियम की अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा बड़ा होता है। जो ये कोशिकाएं होती हैं जनन एपिथीलियम में, इनका आकार जो होता है वो बड़ा होता है, यानी बड़े आकार में होती हैं। ये कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा बार बार विभाजित होती रहती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा बार बार विभाजित होती रहती हैं, बटती रहती हैं। इस प्रकार बनी कोशिकाओं को शुक्राणुजनक या स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। यानी इस प्रकार से जो कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा बनती हैं विभाजित होकर के, तो उन्हें शुक्राणुजनक या स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं अर्थात डिप्लॉयड होती हैं, 2n होती हैं। तो जो स्पर्मेटोगोनिया जिन्हें कहते हैं, जो कोशिकाएं बनती हैं शुक्राणुजनक जो होते हैं, ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं या डिप्लॉयड होती हैं। ये हो गई पहली प्रावस्था, गुणन प्रावस्था। अब दूसरी है प्रावस्था वृद्धि प्रावस्था या ग्रोथ फेज। इस ग्रोथ फेज पर आते हैं, इसको बता देते हैं आपको। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, विभाजन के पश्चात शुक्राणुजनक या स्पर्मेटोगोनिया पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। यानी जब विभाजन हो चुका होता है, जब विभाजन हो गया होता है, तो जो शुक्राणुजनक होते हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, ये पोषक पदार्थ एकत्रित कर लेते हैं और पोषक पदार्थ एकत्रित करके काफ़ी बड़े हो जाते हैं। अब ये शुक्राणु कोशिकाएं या प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं। और जब ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं, यानी विभाजन के बाद शुक्राणुजनक पोषक पदार्थ एकत्रित करके जब बड़े हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें शुक्राणु कोशिकाएं कहा जाता है या प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। इनका केंद्रक भी अपेक्षाकृत काफ़ी बड़ा होता है और इनका जो केंद्रक होता है वो अपेक्षाकृत काफ़ी बड़ा होता है, पहले की तुलना में बड़ा होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। ये हो गई वृद्धि प्रावस्था या ग्रोथ फेज। अब आते हैं तीसरे पर, परिपक्वन प्रावस्था या मैचुरेशन फेज पर। तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कोशिका में दो विभाजन होते हैं, यानी जो परिपक्वन प्रावस्था होती है, जो मैचुरेशन फेज होती है, इसमें दो विभाजन होते हैं। फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन अर्थात प्रथम परिपक्वन विभाजन और सेकंड मैचुरेशन डिवीजन अर्थात द्वितीय परिपक्वन विभाजन। तो दो भागों में परिपक्व अवस्था को या मैचुरेशन फेज को बांटा गया है। तो इसको प्रथम परिपक्वन विभाजन या फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन कहते हैं। मतलब ये कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कोशिका में होने वाला प्रथम विभाजन जो होता है अर्धसूत्री होता है, और इसी अर्धसूत्री विभाजन को प्रथम परिपक्वन विभाजन या फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन कहा जाता है। इसके फलस्वरूप बनी दोनों कोशिकाओं को द्वितीय स्पर्मेटोसाइट्स, और इसके बाद जो दोनों कोशिकाएं बनी हुई हैं, इन दोनों कोशिकाओं को शुक्राणु कोशिकाएं कहा जाता है या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोला जाता है या द्वितीय स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। फिर अब है द्वितीय परिपक्वन विभाजन या सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन। इसमें क्या होता है, कुछ समय पश्चात प्रत्येक द्वितीयक शुक्राणु में दूसरा परिपक्वन विभाजन या सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन होता है। इस प्रकार इन दो परिपक्वन विभाजन के बाद, यानी फलस्वरूप प्रत्येक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से चार कोशिकाएं बनती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है, चार कोशिकाएं बनती हैं। ये शुक्राणु पूर्व या स्पर्मेटिड्स कहलाती हैं। जो चार कोशिकाएं बनती हैं इन्हें शुक्राणु पूर्व या स्पर्मेटिड्स बोला जाता है। प्रत्येक स्पर्मेटिड में गुणसूत्रों का केवल एक ही सेट होता है। जो प्रत्येक स्पर्मेटिड्स होता है इनमें गुणसूत्र का केवल एक सेट होता है अर्थात एन होता है। स्पर्मेटिड्स के कायांतरण से शुक्राणु बनते हैं। अब जब इनका कायांतरण होता है, काया का अंतरण होता है अर्थात अपना रूप बदल लेते हैं, तब शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से शुक्रजनन हो जाता है। अब शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है आपको बता दें। इस क्रिया के अंतर्गत अचल एवं गोल स्पर्मेटिड एक चल धागे नुमा शुक्राणु में बदल जाते हैं या धागे नुमा शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका कोशिका द्रव्य विलुप्त हो जाता है। तो अचल एवं गोल स्पर्मेटिड्स जो थे, तो ये क्या होते हैं, चल धागे नुमा शुक्राणु में बदल जाते हैं। यानी पहले ऐसे ही थे, स्थिर थे, चल नहीं रहे थे। अब क्या होते हैं कि जो पहले गोल थे, अब चल और धागे नुमा शुक्राणु में बदल जाते हैं। इसका कोशिका द्रव्य क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। सेंट्रियोल से
फ्लैजिलम का विकास हो जाता है, और इसके सेंट्रियोल से फ्लैजिलम का विकास होता है। माइटोकांड्रिया इसके अच्छी तंत्र के चारों ओर एक सर्पिलाकार आवरण बनाते हैं, इसके नेक में माइटोकांड्रिया एक सर्पिलाकार आवरण बना लेते हैं तथा गाल्जीकाय एक क्रोसोम में रूपांतरित हो जाता है, और जो गाल्जीकाय होता है वो आगे का भाग बना लेता है अर्थात एक क्रोसोम बना लेता है। केंद्रक गोल के बजाय कुछ लंबा एवं अंडाकार हो जाता है, और इसका केंद्र कैसा होता है, गोल के बजाय लंबा हो जाता है, अंडाकार हो जाता है। प्रत्येक शुक्राणु के विकास में 2 से लेकर के 2.5 माह का समय लगता है, यानी एक शुक्राणु के विकास में 2 से लेकर के लगभग 2.5 माह का समय लगता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि शुक्र जनन का महत्व क्या होता है या सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो शुक्र जनन के फलस्वरूप बने शुक्राणुओं में गुणसूत्र की संख्या पैतृक कोशिकाओं से आधी होती है, यानी शुक्र जनन के बाद बने जो शुक्राणुओं में गुणसूत्र की संख्या होती है वो पैतृक कोशिकाओं से आधी हो जाती है, यानी जितने पिता में गुणसूत्र होते हैं उसके आधे रह जाते हैं। अतः शुक्र जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या को आधी करने में सहायता करता है। तो शुक्र जनन का महत्व क्या है कि गुणसूत्रों की संख्या को आधी करने में हेल्प करता है, सहायता करता है। इसके फलस्वरूप एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिसके बाद क्या होता है कि एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाएँ बन जाती हैं, उनका निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को गैमेटोजेनेसिस अथवा युग्मक जनन के अंतर्गत स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन के बारे में बताया। अगले वीडियो में आपको ऊजेनेसिस या अंड जनन के बारे में बताएंगे। तो उस वीडियो की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा, तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।